सोलन में टीका महोत्सव स्वास्थ्य विभाग द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस टीका महोत्सव में जिला वासियों को कोरोना से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन बेहद कम लोग लगा रहे थे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए टीका महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले प्रतिदिन करीब 1000 नागरिकों को ही वैक्सीन लगाई जाती थी, लेकिन टीका महोत्सव की वजह से अब करीबन 4 गुना नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने मीडिया को दी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि 4 दिवसीय टीका महोत्सव स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत जिला सोलन में 4500 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सोलन शहर में 250 को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक नागरिकों को आग्रह किया है कि वे अपने निकटतम वैक्सीन केंद्र में जाकर वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वैक्सीन से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, वे बिना किसी डर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के असर को कम करने का एकमात्र उपाय कोरोना वैक्सीन है। ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क लगाई जा रही है। ये हमारा जो टीका महोत्सव है 11 से 14 अप्रैल तक ये चल रहा है। कल हमारा पहला दिन था। पिछले कल हमने 4500 के करीब लोगों को वैक्सीनेट करा अपने सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से सोलन शहर में हमने जो है वो 250 लोगों को वैक्सीनेट किया है। 250 लोग जो है यहाँ पर वैक्सीनेट हुए हैं। मेरी 45 वर्ष से ज़्यादा लोगों से अपील ये है कि वो लोग जो है वो यहाँ हॉस्पिटल आएँ, अपने नियर बाई नज़दीकी जहाँ कहीं भी उनके वैक्सीनेशन सत्र लगाया जा रहा है वहाँ पर जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और कोविड के प्रति अपनी जो ये रक्षा अभियान जो ये चला है उसको अपनाएं। जितने भी लोग हैं उनको 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग आधार कार्ड लेकर और ऑन द स्पॉट वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहीं पर उनको टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के बाद आधे घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि अगर टीका लगाने से कोई भी अगर उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो उसको उसी समय डिसॉल्व कर दिया जाए। अभी तक हमने देखा है कि टीका लगाने से जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। 60,000 लोगों को हम अभी अपने सोलन जिला में टीका लगा चुके हैं, जिसमें से जो कोई भी है मॉडरेट या सीवियर कोई जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो किसी को भी नहीं हुआ है। माइल्ड जो इफ़ेक्ट होते हैं थोड़ा बहुत बुखार आना या जहाँ पर टीका लगता है वहाँ दर्द होना, तो ये तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों को भी हम टीका लगाते हैं तो उसके बाद बच्चे को बुखार आता है, तो ये टीके का एक रेस्पॉन्स है, इसको हम एडवर्स इफेक्ट नहीं कहते हैं। तो लोगों के मन में जो भ्रम है कि भाई टीका लगाने से हमको कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी 45 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और अपना टीकाकरण करवाएं।